हाई गाइज़ वेलकम टू द ब्लेसिंग आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड हेल्दी एंड हैप्पी सेफ एंड साउंड आपकी आज की जो कार्ड रीडिंग है वो है आपके सोलमेट के बारे में उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस हैं आपके लिए तो आ, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या वो आ, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए और वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं कुछ लव मैसेज हैं ठीक है तो उसके लिए आपके सामने तीन पाइज रखे हैं आप ये लव मैसेजेस हैं उनकी तरफ से ये पर्सनल मैसेजेस हैं ठीक है ठीके? तो आप अपना ग्रुप चूज़ कर लीजिए वैसे मैं टैरो से भी रीडिंग देखूंगी लेकिन उसके बाद पर्सनल मैसेजेस भी हैं आपके सोलमेट की तरफ से आपके लिए ठीक है तो अपना ग्रुप चूज़ कर लीजिए ग्रुप वन इज़ द ब्लू हार्ट ग्रुप टू इज़ द रेड हार्ट एंड ग्रुप थ्री इज़ गोल्डन हार्ट तो ब्लू हार्ट रेड हार्ट एंड गोल्ड हार्ट इन तीनों में से जो हार्ट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज़ कर लें तो मैं आप सबकी रीडिंग पे मिलती हूँ हेलो ग्रुप नंबर वन ब्लू हार्ट आइए देखते हैं कि आपके सोलमेट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं पहले हम आ, पहले हम टैरो की रीडिंग देख लेते हैं ठीक है रोमांस मेस एंजल से हम गाइड ले लेते हैं उसके बाद ये इनकी ये पर्सनल मैसेज है ये हम बाद में देखेंगे ठीक है पहले हम टैरो से देख लें कि आपके सोलमेट की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए और वो आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपको क्या पैगाम वो देना चाहते हैं क्या संदेशा देना चाहते हैं मोहब्बत का ओके वान्स एरीज लियो सेगस थ्री ऑफ सोड्स लिब्रा एक्वेरियस एंड जैमिनाए the emperor wow four of wands there is leo sagittarius king of wands wow sexy man <laughs> sagittarius leo and there uh, is fool aries ऑफ पैनिकल्स हैं जी टोलस कैफिकॉन भरगो उसके अलावा जी क्वीन ऑफ वॉर्न्स वाहक्सी कपल है अभी आपका सही फिजिकल किंग ऑफ वॉर्न्फ़ वॉर्न्स ब्यूटिफुल जी तो आ, आपके आपको जो मैसेज वो आपके सोलमेट देना चाह रहे हैं वो पहली तो बात यह है, है कि वो अभी पीछे किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं मैं अगर देखूँ यहाँ पर तो आप बहुत सेवेंटी परसेंट चांसेस ये हैं अभी यहाँ पर कि आप लोग अभी अपने सोलमेट से नहीं मिले हो ठीक है अभी आपको वो मिलेंगे फ्यूचर में इन नियर फ्यूचर मिलने वाले हैं तो फ़िलहाल वो अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं या आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो या आप अपने दोनों ही अब काम से डील कर रहे हो और आपका दिल टूटा हुआ है या फिर कोई मसला है उनके साथ कोई फैमिली प्रॉब्लम है कोई आ, नहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लग रही उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ किसी कार्मिक से वो डील कर रहे हैं जिसने उनका दिल तोड़ा है तो वो भी परेशान उदास हैं और वो चाहते हैं कि आपसे बहुत जल्दी मिलना और बहुत जल्दी आपसे शादी करना क्योंकि फॉर वॉर्नस है तो अच्छा ये ट्विन फ्लेम भी काफ़ी कनेक्शन मुझे यहाँ पर काफ़ी कपल्स का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है तो वो बहुत जल्द आपसे मिल के आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको अपनी ब्राइड बनाना चाहते हैं आपको ब्राइड ग्रूम बना ब्राइड ग्रूम जो अगर आप अपनी लेडी के लिए देख रहे हैं तो वो आपसे बहुत जल्द मिल कर आपसे शादी करना चाहती है और आपको आपकी ब्राइड बनना चाहती है ठीक है जी विदा थ्री ऑफ पेंटिकल्स अभी ये उनकी कंडीशन है आपके वो आपसे कहना चाहते हैं कि अभी मैं बहुत आ, मतलब काम में करियर में अपना उनकी बहुत आ, अभी अटेंशन है उसमें वो काफ़ी बिजी है काम में अपने काम को काफ़ी प्रायोरिटी उन्होंने दी हुई है क्योंकि उनका जो कार्य जो है उसने उनके काफ़ी हालत ख़राब की हुई है तो उन्होंने सोचा है कि मैं अब साइड पर होकर के अपने एक तो सोलमेट को मैनिफेस्ट करूँ और दूसरा ये है कि मैं अपने काम पर ध्यान लगाऊं दूसरा इनको तीसरा कोई रिश्ता इनको नज़र अभी नहीं आ रहा है ठीक तो तो का है जी विद एट ऑफ वॉन्स आप दोनों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है तो कह रही है कह रहे हैं कि आप आपके साथ के मतलब उनके साथ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा ये वो पैगाम आपको दे रहे हैं मैसेज वो कह रहे हैं कि मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा और आपको बहुत सारे आपको मैं ग्रो करने के मतलब मैं चाहूँगा कि आप ही मेरे साथ साथ ग्रो करो हम दोनों इकट्ठे ग्रो करें मैं कभी आपका रिश्ता नहीं रोकूंगा और वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और आपको जो है ना आगे मतलब फ्यूचर की जो प्लानिंग है जो फ्यूचर प्लानिंग है वो आप दोनों इकट्ठे किया करेंगे ठीक है ये आपका सोलमेट आपको अब्रॉड भी जाने का मैसेज है शायद वो अब्रॉड में रहते हैं आपके कंट्री में नहीं रहते हैं आपके नेटिव कंट्री में तो अगर रहते भी हैं तो वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप वो आपको हनीमून पर या वैसे ही अब्रॉड विज़िट काफ़ी के चाहते हैं वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं ये उनकी बहुत बड़ी इच्छा है बहुत बड़ी विश है उनकी ठीक है अच्छा तो पर ये कुछ केसेस में थर्टी परसेंट ऑफ द पीपल सब के लिए मैं नहीं करी ये पहले से मैरिड हो सकते हैं डिवोर्सी भी हो सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर थ्री ऑफ का सोज आया है तो डाइवोर्सी आप भी हो सकते हैं जो आप सुन रहे हैं ठीक है तो आप दोनों में से कोई एक डाइवोर्सी है या दोनों ही डिवॉर्सी हैं तो ये भी वो आपको बताना चाहते हैं कि आई एम डाइवोर्सी लेकिन मैं तुम्हारा खुद ख्याल रखूंगा क्योंकि यू आर सोलमेट तो इस वजह से वो आपको ये उन्होंने मैसेज दिया है ठीक है जी फूल के के साथ ये काफ़ी उनका एटीट्यूड है आपकी तरफ थोड़ा सा लीनट बहुत ही फ्रेंडली न, न, मतलब तो 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 विदाउट एनी टेंशन विदाउट एनी परेशानी विदाउट एनी वरी विदाउट एनी यू you नो know, स्ट्रेन रिलेशनशिप होते तो तो जो रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही कपल बहुत ही एक दूसरे को तो देखना नहीं चाह रहे होते और जहाँ मतलब लड़ाई ना भी हो फिर भी पसंद नहीं करते है ना ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है आप दोनों में ठीक है आपको वो बहुत एडोर करेंगे आपको वो आप दोनों में ले कोई टेंशन नहीं होगी समझिए ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होगी सोल टू सोल कनेक्शन होगा और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मोहब्बत देंगे ठीक है जी अच्छा वो आपको कहना अच्छा मैंने वो बता दिया है आपको कि वो कह रहे हैं कि आई एम बिजी इन माई वर्क राइट नाउ क्योंकि उनको कोई रिस्ता नहीं मिल रहा है शायद आप अभी उनको नहीं मिले हो बट ही इज मैनिफेस्टिंग यू शी इज़ मैनिफेस्टिंग यू ठीक है अच्छा जी किंग ऑफ़ वॉर्न्स ये उनकी एनर्जी है बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फायर साइन है तो ना बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो फायर साइन के हो सकते हैं एर इज एंड एन ठीक है तो ये जी कपल अपना किंग ऑफ वर्न्स एंड क्वीन ऑफ वर्न्स फायरी कपल वाओ बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है आप दोनों में होगी आप बहुत खूबसूरत और वो भी बहुत हैंडसम होंगे ठीक है ये किसी पावर पोजिशन में हो सकते हैं ये किसी आ, किसी फोर्सेस से हो सकते हैं या किसी आ, किसी भी जगह पर ये अपने टॉप पर हो, होते हैं ये किंग ऑफ फस बड़े पावरफुल होते हैं लीडर लीडर टाइप ठीक है क्योंकि तो यहाँ पर एम्प्रर भी है तो ये यकीनन कहीं ना कहीं बहुत ना लीडर लीडिंग पोजीशन पे है जहाँ पे इनको लीड ये करते हैं इनके अंडर काफ़ी सारे काफ़ी सारा काम करता है तो ये किसी ऐसी पोजीशन पर है सैद जी तो अब आपको वो मैसेज यही दे रहे हैं कि वो आपको हमेशा खुश रखेंगे आपको बल्कि वो वो ढूंढ रहे हैं वो ये भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि वो, वो ही इज़ सर्चिंग फॉर यू तो आप उनको बहुत याद आती हैं आपको काफ़ी मिस करते हैं और ये है कि लभी उन्होंने फ़िलहाल अपना ध्यान अपने काम में लगा लिया है क्योंकि उनको कोई और नहीं मिल रहा क्योंकि कार्मिक ने उनकी हालत टाइट कर दी है इस टाइम तो वो उनको ना बहुत ना शादी करने का मन है आपसे और आपसे मिलने का आपसे आपको वो तमाम खुशियाँ देने का जो आप डिज़र्व करते हो जो आपको देना चाहते हैं ठीक है आपके साथ वो ट्रैवल करना चाहते हैं अब्रॉड में दूसरी कंट्रीज़ में ये उनकी बहुत बड़ी आ, है वश ठीक है तो मैं एंजल से भी देख लेते हैं कि आप दोनों को आपको क्या कहना चाहते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं गेटिंग टू नो ईच अदर एज़ यू रिवील योर इोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंस वो कहना चाहते हैं कि जैसे हम एक दूसरे से मिलेंगे तो हम एक दूसरे को जानेंगे तो हमारा और भी बॉन्ड डीप हो जाएगा अच्छा जी सोल मेट वा दिस इज़ योर सोल मेट ठीक है जी यस दिस इज़ योर सोल मेट तो कन्फर्मेशन थी जी आपका सोल मेट है ये वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई एम योर सोल मेट और शादी भी वो आप ही से करें कि केमिस्ट्री दे इज अ स्ट्रॉग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर ठीक है वो कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ उनको बहुत पुल आता है बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन आती है उनका दिल करता है कि बस भाग करके आपके पास आ जाए और बस फिर आप ही के होकर के रह जाएं मैग्नेटिक पो वाओ पैशन लव योर हार्ट एंड सोल लू सिंग विद अ जॉय पैशन बहुत ज़्यादा है जी उनके दिल में आपके लिए बहुत आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं काफ़ी मुझे वैसे मेरे नहीं फायरी नेचर के बहुत उनके किंग ऑफ वनस है ना तो ये तो सेक्शुअली बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत पैशनेट होते हैं बड़ा उनमें फायरी स्पिरिट है ये बहुत होते हैं एक्सप्रेस योर लव गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्टर तो कह रहे हैं कि जो जैसे मैं आपको मिलूँगा ना तो मैंने अपना कर देना है मोहब्बत का इजहार ठीक है नहीं क्योंकि मेरे से होना नहीं है कंट्रोल तो ज़रा तैयार हो जाओ ठीक है जी रिकाउंसिलेशन समी फॉर्म योर पास इज़ रिटर्निंग इन योर लाइफ अच्छा कुछ लोगों के केसेस में आपके एक्स हो सकते हैं लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स की एनर्जी नज़र नहीं आई टैरो में ऑरिकल तो में आई है तो मिक्स करके मैं आपको यही कहूँगी कि आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है ठीक है पास्ट लाइफ का आपका पार्टनर है अच्छा आइए अब इनके ज़रा हम देख लें जी आपके मैसेजेस पर्सनल मैसेजेस देख लें हम क्या आपको क्या कहना चाह रहे हैं जी आपके सोलमेट कहते हैं जी यू सैड मी सैड यू हैप्पी मी हैप्पी चलें चलो ठीक हो गया शैल वी गोन हम कहते हैं जी हम चलें फिर टीले डेट पे यू आर द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मी ठीक है जी कहते हैं तुम मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट हो गॉड का रेड रोज बुके है फॉर माई लेडी लव वाओ रोमांटिक, रेड रोज़ेस का बुके लेडी लव के लिए वाओ यू आर ऑलवेज इन माई ड्रीम्स वो बेचारे कहते हैं जी रोज़ तुम्हारे सपनों में आती हो जिंदगी में भी आ जाओ अच्छा जी आई मिस यू सो मच ये तो वैसे टैरो में भी निकला है याद आपको बहुत करते हैं आई प्रे फॉर आवर यूनियन ये भी निकला है टैरो में आपकी यूनियन के लिए ना आप दोनों की वो बहुत वो चाहते हैं कि यूनियन हो जाए हो जाए बी माई ब्राइट शादी कर लें जी उनसे कह रहे हैं आपको आई लव यू फॉर हु यू आर कहते हैं तुम जैसी भी हो ना बस वहाँ है तुझे तो जैसी हो तुम चेंज आपको नहीं करना चाहते हो आप जैसी आपको पसंद है आई एम योर फ्यूचर स्पाउस चले जी कहते हैं जी तुम्हें शादी मैं ही करनी है ठीक है ना चलो ये भी हो गया काम हेलो माय माई लुट जार क्यूट <laughs> किस भी है आपके लिए ठीक है जो आपके नुटैला जा रहा है चॉकलेट स्प्रेड नुटैला आगे भी सोचे सोचें आप खुद ही सोच लें नुटैला का क्या करना है उन्होंने माय वॉइस इज़ नॉट मच गुड बट आई एल सिंग फॉर यू ओह क्यूट कहते थी मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं गाना शाना गा दूंगा आपके लिए ठीक है अ किस और योर फॉर हैड आपके फॉर हेड पे एक पैरिशिक ठीक है तो ये थे जी आपके सोलमेट उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस थे आपके लिए ठीक है आई होप आपको पसंद आए हैं तो अगर आपको पसंद आए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस ऐसे बनाकर मैं आपसे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बाय बाय एंड लव यू तो वेलकम ग्रुप नंबर टू इनका ये रेड हार्ट चूज़ किया है देखते हैं कि आपके सोलमेट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ये उनके पर्सनल मैसेज हैं ये हम बाद में देखते हैं ठीक है इन में लेकिन पहले हम टैरो से देख लें कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं कि वो अभी कहाँ हैं और क्या उनकी अभी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए और आपको क्या मैसेजेस क्या वो आ, संदेशा और कि आप काम देना चाहते हैं ओके थ्री ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस खुद ही आया है ओके एट ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो फाइसिस फाइव ऑफ पेनिकल्स स कैप्रिकॉनवेर हम्म नाइट ऑफ सोट्स लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाइज ओहो हो आपके तो सोल मेटर ने क्या कर रहे हैं वो कार्ड्स बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं बहुत बोल रहे पैशनेट है बड़े उनसे वेट नहीं हो रहा ऐसे होते हैं कार्ड जब ऐसे होता है फाइव ऑफ वस सॉरी एयर इज सजिटेरियस टेन ऑफ सोज ओके हम गेटिंग हिज पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं वो लिब्रा क्वेरी सेंजे में फोर ऑफ़ कप्स हालत बड़ी ख़राब है अभी आपके से होलमेड की इस टाइम फोर ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो एंट फाइव एंड मैन ओके

इस टाइम वो अपने कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और आप लोग अभी उनसे नहीं मिले हो ठीक है वो कहीं पर ऐसे किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं जो कि उनके साथ उनके पैसे के लिए है ठीक है क्योंकि वो काफ़ी अमीर इंसान है ये किंग ऑफ़ पेंटिकल्स काफ़ी इनके पास दौलत इज़्ज़त मान सम्मान बड़ा कुछ है इनके पास बहुत सबसे वर, सबसे रिच फो चारों किंग्स में से रिच मटेरियल ही होता है ये किसी ये हो सकते हैं किसी आ, कोई ना इनका बिजनेस है ऑन बिजनेस इस तरह के कोई ना सीईओ और किसी बहुत हाई फाई जिनके बिजनेस होते हैं ना अक्रॉस द कंट्रीज भी वन अक्रॉस द बॉर्डर्स भी होते हैं उस किस्म का इनका बिज़नेस है ठीक है लेकिन ये जो इनकी जो कार्मिक है ना इसने उनका दिमाग कहा लिया लड़ लड़ के पता नहीं क्या इसको मसला इनके कामिक को उसे लड़ लड़के फाइव वॉन्स के साथ दिन रात बहसाई शक शुभे ये वो और उनको वो पसंद भी नहीं है बिल्कुल पसंद नहीं है ठीक है वो तंग आए पड़े हैं ऑफ कप्स के साथ वो परेशान हैं और मतलब वो निराश हैं देखिए ये लड़का किस तरह मतलब और इसके पास गार्डियन गार्डियन एंजल आया हुई है फेरी आई हुई है इसकी करने मुझे परेशान है कब्ज़ को देख रहा है कि मैं क्या करूँ किधर फंस गया हूँ मैं आखिर मैं क्या करूँ उनको समझ नहीं आ रही ठीक है लेकिन टेन ऑफ सोर्स के साथ इनकी जो है ना उनका कंप्लीशन हो गया है इनकी जो है इन्होंने जहन में सोच लिया कि एमडान मैंने इसके साथ नहीं रहना इस औरत के साथ मैंने इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना वो ही हैज़ डिसाइडेड क्या वो इसके साथ मजीद नहीं रहेंगे तो उनको, उनको समझ आ गई है कि ये उनकी सोलमेट नहीं है ये इनके ट्रू पार्टनर नहीं है ट्रू पार्टनर आप हों उनको जहन में समझ आ गया है दिल में पता चल गया है उनकी ये देखें सोच बदली हैंग मैन के साथ वो अपना अब सिचुएशन को किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एट ऑफ कप्स के साथ वह देख रहे हैं स्टार्स एंड मूनस किसी कैसी लड़की उधर जा रही है फॉर मैनिफेस्टेशन टूअर्ड द बीच वगैरह तो वो रात के टाइम वो ना अब आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि मैं अपने सोलमेट को क्यों ना मैनिफेस्ट करूँ तो क्योंकि ये जो उनकी कार्मिक पार्टनर हैं ये इनको सिर्फ पैसे की वजह से इनके साथ और, उसने इनको और आ, इस इसने इनको लॉसेस भी बहुत दिए हैं और इनकी फिनेंशियल कंडीशन भी इन काफ़ी ख़राब की है इसने इनको काफ़ी मटीरियल लॉसेस दिए हैं मतलब पैसे के साथ है ना मतलब ओबियसली पैसे की वजह से इनके साथ है वो तो कोई लव शव नहीं है कोई प्यार मोहब्बत कोई नहीं है इनसे और ये जो है बेचारे उसके साथ ऐसे बस इंटेंगल्ड हो गए यार वो परेशान हैं उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं और वो आपको यही कह रहे हैं कि मैं इनसे जान छुड़ा लूँ तो मैं तुम्हारी तरफ ना बहुत जल्दी आऊँगा किंग ऑफ सोर्स के साथ सॉरी नाइट ऑफ सोर्स के साथ ऐसे उनका दिल करता बस ऐसे हवा के घोड़े पर बैठे और बस आपके पास भाग करके आ जाए ठीक है तो आपको ऐसे आके वो प्रपोजल देना चाहते हैं वो आप चाहते हैं आपके साथ रहना हमेशा शादी करके तो ये उनकी ख्वाहिश है आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं आपको एक अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ देना चाहते हैं हम आपको कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा आपको खुश रखूँगा और क्योंकि उन्होंने काफ़ी सबक भी सीख लिया है कार्मिक से कि कैसे कार्मिक होते हैं तिरफ तो के साथ आपकी ग्रैंड वेडिंग होगी वो चाहते हैं ग्रैंड वेडिंग ग्रैंड फंक्शन रखना है ग्रैंड, ग्रैंड फंक्शन का कार्ड होता है तो मटीरियल तो, तो वैसे काफ़ी वेल ऑफ है तो वो उनको कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ग्रैंड फंक्शन का उनके लिए ठीक है तो ग्रैंड फंक्शन वो करना चाहते हैं आपके साथ हमेशा खुश रहना चाहते हैं और आपको वो खुश भी देखना चाहते हैं ठीक है जी तो आ, 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 क्या कहते हैं मतलब वो आ, अच्छा तो ये मैसेजेस टैरो में से तो मुझे यही नज़र आ रहा है लेकिन ये कि आपसे शादी वो करना चाहते हैं और बहुत जल्द वो आपकी तरफ़ आना चाहते हैं और मैनिफेस्टेशन भी स्टार्ट करती है आपके लिए तो मैम रोमैस एंजल से पहले देख लें कि वो क्या कहना चाहती है अच्छा है कार्ड बहुत फ्लिप हो रहे हैं यहाँ पर कार्ड वो बेचारे बहुत परेशान हैं और बहुत जल्दी में है वो आप आने के ना डेक पे इतनी और एनर्जी भेजी है कि ये देखिए हो कह रहा है यहाँ पे गिव गिव योर रिलेशनशिप चांस वर्क ऑन योर पार्टनरशिप तो वो जब आपसे मिलेंगे ना तो डिवाइन आपको कहने कह रहे हैं कि आपने मैं मतलब उनको चांस देना है ठीक है अपनी पार्टनरशिप पे काम करना है ट्रू लव दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम तो भी ट्रू लव है जी आपको वो ट्रू लव कहते हैं कि आपसे मैं ट्रू लव करता हूँ लाइफ टाइम का आपसे मोहब्बत करता हूँ कभी छोकर नहीं चाहूँगा चिल्ड्रन यू लव लाइफ इज़ बीग अफेक्टेड बाई चिल्ड्रन तो आपके चिल्ड्रन होंगे जी आप उनको चिल्ड्रेन की भी ड्रे ड्रीमिंग करते हैं ठीक है शायद वो उनको चिल्ड्रन का बहुत शौक है तो ये कार्मिक जो है इसने तो दिमाग इनका खाया हुआ है शादी भी शायद इनकी अभी नहीं हुई हुई मोस्ट प्रोबेबली नहीं हुई हुई अनमेरिड है तो शायद अपने कार्मिक से शादी नहीं करना चाहते ठीक है ना वो कहती होगी शादी करना लेकिन ये कहते मैंने नहीं करनी वेडिंग ठीक है आपके लिए आपके साथ ही वेडिंग करना चाहते हैं देख रहे हैं आप वेडिंग कान का प्लानिंग आपके साथ है सोल मोड़ कहते हैं कि मैं ढूंढ लूंगा सोलम ठीक है उनको शर्ड को ट्यूशन आती है कि आप यू आर समवेयर इन द वर्ल्ड अच्छा दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमेंटिक पार्टनर यू सीक तो आप अपने आपने उनके साथ प्रीवियस लाइफ से गुजारी हैं आप उनसे मिले हुए हैं उनको पता है कौन है ठीक है तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस ठीक है पॉजिटिव रहें और ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग और जो है फेथ डिवाइन पर यही आपको इन दोनों को मिलाएगा वेरी सुन क्लियरली डिसाइड वट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप दोनों की मुलाकात हो जाएगी क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अगर आपने भी मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी ना तो फिर डबल तेज़ी से काम चलेगा ठीक है चले इनकी तरफ से पर्सनल मैसेजेस हैं आ, वो देख लेंगे आप कुछ कहना भी चाहते हैं ये तो पर्सनल मैसेजेस कहते हैं जी यू आर ए ड्रग टू मी कहते हैं जी आई एम एडिक्टेड टू यू एडिक्शन इनको होती है जी आपकी ठीक है यू आर माय ऑल टाइम फैंटेसी आप इनकी फैंटेसी हो ऑल टाइम आई रिस्पेक्ट यू अल्लाह बिकॉज यू डिज़र्व दिस वो तो बेचारों कार्मिक उनकी जो हालत टाइट की है ना वो अब <laughs> कहते हैं कि यू डिज़र्व दिस उनका सारी मोहब्बत और ठीक है आई मिस यू ट्वेंटी फोर सेवन आप ही की याद उनको आती है जी ट्वेंटी फोर सेवन यू आर दी ओनली वन फॉर मी चले जी क्या बात है कहते हैं जी भाई तुम ही हो किसी और के पास जाना अच्छा जी वॉन्ट टू सी यू एज माई ब्राइड आपको एज आ अपनी ब्राइड आपको देखना चाहते हैं ठीक है यू आर माई चॉकलेट चिप आइसक्रीम क्यूट आप चॉकलेट चिप आइसक्रीम हो क्या योर हैंड मेड फूड इज़ एवरी थिंग वाह आप में से जिस जिसको को कुकिंग आती है तैयार हो जाए आपको बहुत पसंद है उनको आपके हाथ की कुकिंग आएगी योर आइज़ आर द रियल किलर चैलेंज जी मैं शामिल उन्होंने को ड्रीम में देखा आपकी तो है, है आपकी आइज़ वगैरह तो कहती हैं जी किलर हैं आपके आइज़ किलर किलर योर स्माइल इज़ सो कंटेजियस कहते हैं जी आपको स्माइल इतनी प्यारी में इन्फेक्शन कर दिया इसने ये कोरोना का इन्फेक्शन ना हो <laughs> इसमें मैं अब जो स्की मैं बस मजाक कर रही क्योंकि वो बेचारे ना उनकी हालत बड़ी ख़राब है तो मुझे ना कभी कभी हंसी भी आती है क्यों हंसी क्यों आनी है मतलब जब कार में होते ही हंसी हैं जो जो डील करके आए ना उनको पता है क्या मुसीबत होती है वो यू क्राई कहते हैं आपको कभी रोने नहीं दूंगा मैं ख्याल हम लोग बड़ा रोए हैं या शायद रोते हैं परेशानी में तो इसलिए कहते हैं आपको कभी रोने नहीं दूंगा ओनली यू कैन सेट माई हार्ट ऑन फायर ओके ये तो वो भी थे ना सॉन्ग इंग्लिश का इंग्लिश वाला तो ये वो है कहते है, सिर्फ तुम ही जो है ना मेरे दिल में आग लगा सकती हो मोहब्बत की वाई डू आई गेट रेस्टलेस इन योर प्रजेंस कहते जब आपकी याद आती है मैं आपको देखता हूँ तो मैं बहुत रेस्टलेस हो जाता हूँ पता नहीं क्यों रेस्टलेस तो आप होंगे भाई आपका सोल कनेक्शन है सोल कनेक्शन मामूली बात नहीं होती बहुत बड़ी बात होती आई डे ड्रीम अबाउट आवर मैरिज अ लॉट चलें जी शादी के लिए बहुत सारे डे ड्रीम करते हैं आपके कार्ड सी यू सैड आपको सैड नहीं देखेंगे कभी भी योर लुक वॉर्म माई हार्ट आपका जो लुक है उनके दिल को वॉर्म कर देती है ठीक है जी तो ये दीदी आपके सोलमेट उनकी तरफ तो से कुछ लाभ मैसेजेस थे आई होप आपको पसंद आई है रीडिंग तो सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन तो मैं आप सबके नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी अपने रखिएगा ढेर सारा ख्याल एंड आई विश यू हैवी लाइफ विद योर सोलमेट एंड जिस चीज़ का यूनियन नहीं हुआ आई प्रे एंड विश फ्रॉम गॉड कि आप दोनों का जल्दी से यूनियन हो जाए और आप दोनों की हो जाए शादी शादी ठीक है जी बाय बाय आई लव यू हाई ग्रुप नंबर थ्री जिन्होंने गोल हार्ट चूज किया था आइए देखते हैं कि आपके सोलमेट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है ये टैरो है ठीक है उसके बाद इसमें है आपके सोलमेट की तरफ से मैसेजेस इस वैलप में यहां बाद में देखते हैं पहले हम टैरो से देखते हैं जी वो क्या आप कहना चाह रहे हैं आपके सोलमेट ओके फाइव ऑफ व्यूर एंड सैगिटेरियस Queen of Wands There is you and Sagittarius Okay, Ace of Pentacles uh, Taurus Capricorn will go Queen of Pentacles uh, Taurus Capricorn will go Nine of Cups uh, Cancer Scorpio Pisces Wow, Empress

एक फाइनल में जी, टू फाइनलोड्स ठीक है जी तो जी आपके जो सोलमेट हैं जी आपको मैसेज भेज रहे हैं अभी आपका जो सोलमेट है ना वो अभी किसी आ, अभी आप नहीं मिले हो उनसे ऑन राइट right? अभी आप मिलोगे नेक्स्ट ने, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग चांसेस हैं लेकिन फिफ्टी नहीं सॉरी कोई ट्वेंटी फाइव परसेंट लोगों को मिल भी चुके हुए हैं ठीक है आप रीडिंग को रेजुनेट देख ले जो 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 पॉइंट्स आपके आ, मैच करते हैं तो अगर आपको मिल गए हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा ठीक है अगर रीडिंग जिस तरह रेजोनेट होगी अच्छा जी तो वो अभी जो आपके जो सोलमेट करंट सिचुएशन है ना उनकी वो आपको बताना चाह रहे हैं कि मैं वो किसी ना ड्यूल सिचुएशन में फंसे फंसे हुए हैं मतलब वो जगलिंग कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही उनको मन, दिमाग उनका ना बिल्कुल किसी ने बंद कर दिया उनको समझ नहीं आ रही वो दो राहे पर खड़े हैं मतलब दो रस्ते हैं उनको उनको एक रस्ते पर जाना है उनको आ, आ, पता नहीं चल रहा कि क्या करो उनके हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं मतलब रिलेशनशिप्स में उनको काफ़ी सेटबैक्स मिले हैं उनको धोखे मिले हैं उनको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनको मतलब उनका फ़ायदा किसी ने उठाया है उनको मतलब ये इंसान ऐसे हैं कि ये ना जल्दी बातों में आ जाते हैं लोगों की और कुछ जिसने जो फ़ायदा उठवाना हो अपना उठा के जब भाग लेता है तो फिर ये बेचारे उनका मुंह देखते रहते हैं मेरे साथ हो क्या गया बहरहाल <coughs> बहरहाल ये जो है ना आ, ये चाह रहे हैं एक नई जॉब लेना कोई नई जगह पर जॉब करना कोई नई बिज़नेस स्टार्ट करना फ़िलहाल ठीक है ये इस पोजीशन पर है फिलहाल तो आपको वो कहना चाहते हैं कि मैं आपसे डेफिनेटली शादी करूँगा बल्कि आपके बहुत ज़्यादा आप क्योंकि उनके सोलमेट हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा वो डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपको वो जो है ना आपको आपको ना उन्होंने एक आइडियालाइज़ किया हुआ अपने सोलमेट को अपने सोल पार्टनर को कि ये देखें ज़रा ये जो मैंने आपको कहा था ना बताती हूँ तीनों को इंज है अच्छा उन्होंने ना आइडियालाइज़ किया हुआ है वो चाहते हैं कि जो उनकी वाइफ हो जो उनकी सोलमेट हो ना पहले तो बात है वो बहुत सेंसिबल है वो समझते हैं जी आप बहुत सेंसिबल हो इंटेलिजेंट हो अच्छा आप होगी भी मैं ये नहीं कह रही वो समझते हैं आप नहीं हो लेकिन वो ये समझते हैं और अब हो भी तो उनको ऐसे गट फीलिंग आती है कि जैसे जो उनकी सोलमेट होगी ना बड़ी इंटेलिजेंट होगी बहुत वो उसमें समझ होगी वो मुझे भी गाइड क्या करेगी या क्या करना है क्या नहीं तो दूसरा फिर वो ये सोचते हैं कि शी वुड बी क्यून ऑफ के वो बहुत ना आ, मतलब थोड़ा सा चार्ज वो खुद लेगी वो ये ना थोड़े से ऐसे होंगे कि आपको थोड़ा सा चार्ज देंगे कि वदर ऑन बैड और वेदर ऑन डोमेस्टिक मैटर्स तो वो कहेंगे कि आप थोड़ा सा आपको बड़ा सेक्सी समझते हैं कि आप बहुत सेक्सी हो बहुत ब्यूटीफुल हो बहुत फिज़िकली एट्रेक्टिव हो आप ऐसे काफ़ी सारी गर्ल्स करवी भी, भी होंगी तो वो उस तरह उनको डॉर करते हैं ठीक है उनके जहन में एक इमेज है आपका ऐसा कि आप थोड़े से बहुत मतलब काफ़ी आप खूबसूरत हो और ना <laughs> मतलब जैसे आपके बाल होंगे बहुत प्यारे और आपकी फिगर बहुत प्यारी होंगी आपने आप कमांड लेने वाली होगी आप घर में हमेशा खुश रहो खुश खुश रहोगी उनको खुश रखोगी तो इस तरह की उन्होंने एक आइडियालाइजेशन की हुई है ठीक है अच्छा तो ये कोई ऑफ पेंडिकल्स का वो आपको समझते हैं कि जी आप बहुत जो ना खुशियाँ देने वाली होगी जो पैसा या जो वो कमा करके लाएंगे आप उनको अच्छी तरह से संभालोगे या बहुत केयरिंग होगी मदर मदरली नेचर आपकी होगी आप उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करोगी ये उनके आपके बारे में ख्याल है ठीक है तो ये आपको वो बता रहे हैं कि मैं मेरे सोच आपके बारे में कि आप ऐसी ऐसी हो तो मेरा जहाँ तक रीडिंग का मैं देख रही हूँ तो आप वाकई में ऐसी हो इसीलिए उनको आपको तब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आती है ठीक है अच्छा ये तो उन्होंने आपको बताया अब वो अपना आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं हमेशा आपको, आपको आ, मतलब किंग ऑफ सोट के साथ आप को आपके लिए स्टैंड लूँगा आपको जो है हमारे दरमियान जो भी होगा आपके तरफ हूँ आपका ख्याल रखूँगा आपको आ, मतलब कोई मैं कभी इमोशनली मैनिपुलेट नहीं करूँगा कभी कोई मारपीट कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत तो कपल्स में होते हैं मतलब ज़्यादा नहीं मैं कोई पागल इंसान नहीं हूँ जैसे वो साइकोपैथ होते हैं ना पागल लोग मैनिपुलेटर जैसे कार्मिक होते हैं तो वो कहते हैं आपको बताना चाह रही है कि मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगा ठीक है नाइट ऑफ वॉस के साथ वो कहते हैं जी मैं मैं बहुत फीलिंग्स है आपके लिए बहुत स्ट्रॉग फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ आपके लिए आपको हमेशा प्यार दूंगा मोहब्बत दूंगा मैं एक रिस्क टेक करूँ वो कहते हैं जी मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिस्क लिए हैं मुझे अच्छा लगता है रिस्क लेना और मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ बहुत ब्रेव हूँ बहुत मैं मतलब वो जो फायरी नेचर के लोग नहीं होते एडवेंचरस से और ये और वो और वो इस तरह कहते हैं जी मैं बहुत, बहुत, बहुत बोल्ड इंसान हूँ बहुत ब्रेव हूँ तो मैं ज़िंदगी में जिस मोड़ पर भी तुमको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा चाहे वह फैमिली में ससुराल में या जहाँ पर भी ठीक है जी एम्ब्रेस कार्ड के साथ तो वो ये भी पे एम्ब्रेस प्रेगनेंट है तो वो आपको ज़िंदगी के तमाम खुशियाँ देना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि आपके साथ उनके बेबीज़ भी हों ठीक है बेबीज़ के बारे में भी सोचते हैं नाइन ऑफ कप्स के साथ आपको हर किस्म के अबेंडेंस लाइफ में देना चाहते हैं वो आप कह रहे हैं मैं आपको से खुश रखूँगा तमाम किस्म की हैप्पीनेस और तमाम किस्म की मैं कुछ आपकी झोली में ला करके दूंगा म्यूजिशियन कार्ड के साथ ये बोलने में ना तो थोड़ मतलब थोड़े से तेज़ होंगे मतलब रोमांटिक बातें प्यार मोहब्बत की बातें बेड में ब्लैकेट में घुस करके प्यारी प्यारी बातें और मीठी मीठी बातें वो लोग करते हैं ना मैं ये तुम ऐसी लग रही हो तुम ऐसी लग रही हो तुम ये पहनो तुम वो पहनो इस तरह की बातें बड़े करेंगे ठीक है तो इस किस्म की इनकी नेचर मुझे लग रही है अच्छा तो ये उनके मैसेजेस थे आए और मैसेजल से देख लेते हैं आप क्या आपके जो सोल मेट वो क्या कहना चाहते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस ठीक है जी आपके दरमियान होंगी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस एक दूसरे को आप बहुत प्यार करोगे वेरी सोन बहुत जल्द आप दोनों का मिलन हो जाएगा ठीक है वो चाहते हैं आपकी तरफ वहाँ करके आना बहुत जल्दी ट्रस्ट कहते हैं जी ट्रस्ट रखो मेरे पर मैं ज़रूर आऊँगा और ट्रस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में कहते हैं कि तुम भी मेरे पर ट्रस्ट रखना मैं भी तुम पर ट्रस्ट रखूँगा रिलीजियस फैक्टर किसी और कम्युनिटी से हो सकते हैं ये ठीक है डिफरेंट रिलीजन से ये हो सकते हैं ओके प्लेफुलनेस ये तो मडिशन कार्ड से मुझे पता चल गया था थोड़े प्लेफुल नेचर के ठीक है तो uh, थोड़े बातें चाहते हैं आपसे ज़्यादा करेंगे फ्लर्ट और यू नो गेटिंग रोमांटिक एंड थोड़ा से शरारती से ठीक है जी गिव योर रिलेशनशिप का चांस आपको जब ये मिलेंगे तो आप जो है ना आपको उनके रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जी ये uh, कुछ लोग जो आपको मिल चुके हैं कुछ लोगों को उनके लिए था कि आपके पास्ट लाइफ का ये पार्टनर है लेकिन क्योंकि पास्ट लाइफ का पार्टनर सोलमेट होता है आपके पिछले जन्म का साथी होता है तो ये वो है ठीक है तो इनके मैसेज हैं इनकी पर्सनल मैसेजेस हैं आ, देख लेते हैं क्या करना चाहते हैं योर टीयर्स आर माई बिगेस्ट वीकनेस लो जी आपको रोने कभी नहीं देंगे कहते हैं जी आपका आंसू मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है यू आर माई लेडी लाव वाह बात है जी आपकी आई विल टेक स्टैंड फॉर यू चलिए स्टैंड वाली मैं बात तो उधर भी आई थी टेरोज़ में हो क्या आपके लिए हमेशा वो स्टैंड लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है कह रहे हैं यहाँ की ओके फर्स्ट बाइट फ्रॉम माय हैंड वाओ क्यूट कहते हैं जी आ, पहला जो बाइट है मेरे हाथ से आप लें यू आर माय क्वीन बिकॉज आई एम अ किंग लो जी कहते हैं जी तुम क्वीन हो क्यों क्योंकि मैं किंग हूँ वाह जी वाह <laughs> तरीफें कर लें अपनी आप आई लव यू बियॉन्ड लिमिट्स आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो शुड गो टू स्विमिंग टुगेदर है स्विमिंग वाओ wow. <laughs> क्या बात है जी स्विमिंग पे आप दोनों इकट्ठे कट्ठे वाओ wow जी यू और माई लास्ट थाट बिफोर स्लीप चलें जी सोने से पहले आप उनकी लास्ट थाट होती हो आई एम लॉस्ट इन योर डीप आइज़ आपकी डीप आइज़ में वो खो जाते हैं वाई यू ऑलवेस्ट स्पीड ऑफ माई हार्ट बीट अब क्यों कर देती हूँ भी उनकी तेज़ धड़कन hmm? कैन यू स्वेल समथिंग बर्निंग दैट्स माई हार्ट विदाउट यू और इन रोमांटिक गला और ये मुझे इस बस जल गया था ये रोमैमेटिशन कार्ड है ना उसकी वजह से ये इन्होंने बड़े इस तरह की इन्होंने बातें करनी करनी आप रोमांटिक फिर आपका एहसास के हो जाना है वहाँ पर यू आर ओनली माइंड ओके योर बोथ आइस ओके जी ठीक है ये बड़ा प्यारा आपका सोलमेट है क्या बात है बहुत ही ज़्यादा प्यारा आपका सोलमेट है तो एनी वेज़ आई विश यू गुड लक आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन तो मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी ठीक है जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा तो जो है वो अपने सोलमेट के साथ आप खुश रहें स्विमिंग वगैरह करते रहें ठीक है जी बाय बाय लव यू